ठीक है ना जी। अब चलते हैं अलाइनमेंट्स में, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन ये कहाँ इस्तेमाल होती है टूल्स में? कौन सी फंक्शन ये टूल्स लीनियर इंटरपोलेशन? नेक्स्ट लुक करेंगे इसको, फाइल ओपन। और ये था जी लीनियर इंटरपोलेशन। अब हमारे पास है तो मसलन एक कॉलम ये है, ठीक है ना जी, और एक कॉलम ये है, जैसे सुपर एलिवेशन की वैल्यूज हैं। हमारे पास टेबल में रेडियस मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन अगर हमें बीच में कोई रेडियस चाहिए तो हम वो वाला रेडियस बीच में डाल देते हैं, तो अब उसके लिए हमारे पास सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं होती, तो वो फिर वो बीच वाली वैल्यू जो है, तो वो यानी इन दो की वैल्यू से जो है, तो वो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जो है, तो वो कैलकुलेट होती है कि अगर जो है तो ये क्या है, 240 और 220 है, कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना, और इसमें कितना डिफरेंस आता है, 0.2 का डिफरेंस आता है। तो यानी अगर 20 मीटर में या 20 यूनिट में 0.2 का डिफरेंस आता है, तो 5 में यानी इसमें 5 का डिफरेंस, तो 5 में कितना डिफरेंस आएगा, जो भी वैल्यू होती है उसको फिर अगली वैल्यू के साथ प्लस माइनस करके ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जब ये हाँ वही इंटरपोलेशन है, तो जब ये बहुत सी वैल्यूज हों तो इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं और ये चले जाएंगे डिज़ाइन टूल्स में और ये सुपर एलिवेशन में चले जाएंगे, क्योंकि इसकी आमतौर पर यहीं पे ज़रूरत होती है, और फिर उसमें ये लीनियर इंटरपोलेशन का ऑप्शन है। इधर हम आ गए और ये कि ये इसका फॉर्म है कनेक्ट गेट, इधर पीछे से गेट कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो अब देखें जहाँ जहाँ पे वहाँ पे एम्प्टी था ना, वहाँ पे उसने जो है तो एक डमी फिगर जो है तो वो ऐड कर दिया। अब बस इसको सिंपली कह दें इंटरपोलेट कर लें, जैसे इंटरपोलेट कर लिया वैसे कह दें सेव डाटा, फाइल जनरेट करें और ये सेव करा लें। ये जी नई इंटरपोलेशन, यानी जितनी भी अननोन वैल्यूज थी वो सारी जो हैं तो वो जो है तो उसने फिल कर रहे हैं। फिर जी सेव एंड उसमें हाँ ये चीज़